नमस्कार साथियों, टेस्ट वाला एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। जो हर्षवर्धन है, थानेश्वर के वर्धन वंश का यह शासक रहा तथा एमपीपीएससी के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हर्षवर्धन से संबंधित और भी अगर क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो उनको ज़रूर आप अच्छे से देख लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। थानेश्वर के वर्धन वंश में 606 से 647 ईस्वी तक प्रतापी शासक हर्ष का शासन था। हर्ष के इतिहास को निम्न स्रोतों से जाना जा सकता है। सबसे पहले अभिलेख से, तो अभिलेख हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो इसमें अभिलेख में आप केवल दो पॉइंट याद रखेंगे, एक तो वंश खेड़ा अभिलेख, दूसरा मधुबन का प्रशस्ति लेख। अब यहाँ से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो यहाँ से जानकारी मिलती है कि ब्राह्मणों को इसने ग्रामों को दान दिया था। ठीक, तो अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा मोहरों से, तो मोहरों से क्या जानकारी मिलती है कि दो मोहर नालंदा तथा सोनपत से प्राप्त होती है, जिनमें हर्ष की वंशावली प्राप्त होती है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्राप्त मोहरों से हमें हर्ष की वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है। और यदि आपको स्थान के नाम याद रहे तो नालंदा तो मेरे ख्याल से याद रहना चाहिए, काफ़ी फेमस जगह है। इसके बाद साहित्य से, तो बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित एवं कादंबरी से हर्ष के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन का पता चलता है। हेनसांग का विवरण, तो हम जानते हैं कि हर्ष के काल में हेनसांग भारत आया था। हेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयू की में हर्षकालीन राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास का वर्णन किया है। इत सिंह का विवरण, तो इत सिंह की यात्रा वृत्तांत के अंग्रेजी अनुवाद अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन में हर्षकालीन इतिहास का वर्णन किया गया है। अतः हर्ष का समाज समृद्ध, उदार तथा धार्मिक था, जिसे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका हम कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में विज्ञान और तकनीकी के विकास का वर्णन कीजिए। तो मुख्य परीक्षा के लिए गुप्त काल सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बार हम देखते हैं कि गुप्त काल से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आयोग द्वारा, जैसे कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। 2019 में उन्होंने क्या पूछा था कि गुप्त काल में विज्ञान और तकनीक, इसका जैसे कि परंपरागत क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे गुप्तकालीन समाज, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, गुप्तकालीन प्रशासन, लेकिन 19 में थोड़ा सा हट के विज्ञान और तकनीकी। विज्ञान और तकनीकी को पूछने के पीछे का रीजन यह था कि गुप्तकाल में सर्वाधिक विज्ञान और तकनीकी की उन्नति देखने को मिलती है, विशेष रूप से जैसे कि ब्राह्मेर हुए, ठीक, आर्यभट्ट हुए। आगे हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। इतिहासकार एन बी लूनिया ने गुप्तकाल को स्वर्णकाल कहा है, जिसमें गुप्तकालीन वैज्ञानिक व तकनीकी उपलब्धियों का महत्वपूर्ण स्थान है। गुप्तकालीन प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नौ रत्नों में भूगर्भशास्त्री, नक्षत्र, ज्योतिषाचार्य आदि थे, जिनकी खोज गुप्तकालीन वैज्ञानिक उपलब्धियों को उल्लेखनीय करती है। ठीक, ये काफ़ी बड़ा है, याद हो जाए तो ठीक, अदरवाइज इसमें आप इसको शॉर्ट करके भी याद कर सकते हैं। जैसे कि किसने कहा है स्वर्णकाल, एन बी लूनिया ने, और ये यदि याद ना आए तो कोई भी एक मन से इतिहासकार का नाम लिख के आप लिख देना। ठीक, उसके बाद फिर गुप्तकालीन वैज्ञानिक बाद तकनीकी उपलब्धियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जो कि अग्रांकित हैं, तो आप शॉर्ट करके लिख देंगे इसको यदि याद ना होता हो तो। जैसे विज्ञान और तकनीकी विकास के प्रमुख तथ्य क्या रहे, गुप्त युग के सबसे महान वैज्ञानिक गणितज्ञ ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में प्रमाण दिया। आर्यभट्टियम किसने लिखी थी, आर्यभट्ट ने। पृथ्वी गोल है जो अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है, यह खोज विज्ञान की नई खोजों के लिए प्रेरणा स्रोत रही। इसके बाद पंच सिद्धांत का, बृहत संहिता आदि रचनाओं में ब्राह्मेर आ गए अब हमारे, तो ब्राह्मेर ने ज्योतिष सिद्धांत दिए। ठीक, फलित ज्योतिष पर कल्याण बर्मन ने सारावली में महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। इसके बाद धन्वंतरी चिकित्सा के क्षेत्र में नागार्जुन ने, धातु रसायन के क्षेत्र में, ठीक, और पारे का आविष्कार भी हुआ। सुश्रुत जैसे महान चिकित्सक हुए,
नागार्जुन भी इसी काल में हुए और इसी काल में दार्शनिक पद्धति के ज्ञात होने का प्रमाण गुप्त अभिलेख में मिलता है। दिल्ली का मेहरौली स्तंभ तत्कालीन रासायनिक उन्नति का प्रमाण था। ठीक, तो मेहरौली स्तंभ जैसा कि सभी को पता होगा कि उसमें जंग नहीं लगती है। गुप्त काल में खगोल शास्त्र में रोमक सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की गई, तो गुप्त काल में खगोल शास्त्र भी उन्नति पर था। गुप्तकालीन शिल्पकारी लौह एवं कांस्य कृतियों में मिलती हैं। तो यहाँ कहने का आशय यह है कि जो लोहे तथा कांस्य की अनेक मूर्तियाँ या फिर जो भी अन्य कृतियाँ मिलती हैं उनमें हम गुप्त काल की तकनीक तथा विज्ञान को देख सकते हैं। निष्कर्षतः उपर्युक्त संदर्भ से कहना होगा कि गुप्तकालीन विज्ञान एवं तकनीकी उन्नत थी एवं इसी आधार पर गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन अगेन गुप्त काल से 2020 में, गुप्त काल में कला एवं स्थापत्य के विकास का वर्णन कीजिए। तो गुप्त काल में कला व साहित्य, सबसे पहले देखेंगे कला और स्थापत्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग या स्वर्णकाल कहा गया। वर्तमान मंदिरों का स्वरूप अर्थात गुंबद, शिखर, पताका आदि तत्कालीन ही है। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला जन्मी। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है। तो जो शिखर निर्माण कला उद्भव हुई तो उसका जो पहला उदाहरण किसको माना गया, देवगढ़ के दशावतार मंदिर को। शिखर युक्त मंदिर का निर्माण गुप्त काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मंदिरों में छोटी छोटी ईंटों तथा पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर भीतर गांव के मंदिरों में समानता है। गुप्तकालीन गुप्त मंदिरों में ब्राह्मण गुप्त मंदिर और बौद्ध गुप्त मंदिर महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण गुप्त मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उदयगिरी का वराह मंदिर है। गुप्तकालीन अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, जहां मरणासन्न रानी की आकृति अद्भुत है। तो यहां पर हम मंदिर निर्माण कला और वास्तुकला से अवगत हुए। अगला देखते हैं मूर्तिकला और चित्रकला के बारे में। गुप्तकालीन चित्रों के अवशेष बाघ की गुफाओं, अजंता की गुफाओं तथा बादामी की गुफाओं में प्राप्त होते हैं। गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने मूर्तियों में नग्नता नहीं बल्कि मोटे उत्तरी वस्त्रों का प्रदर्शन किया। गंगा और यमुना की मूर्ति गुप्तकाल की ही देन है। गुप्तकाल की शिल्पकला का जन्म विशेषतः मथुरा शैली द्वारा स्थापित प्रतिमानों पर आधारित था। बराह की वास्तविक आकृति में निर्मित मूर्ति एरण से प्राप्त हुई जिसका निर्माण धन्य विष्णु ने किया। अजंता के चित्र मुख्यतः धार्मिक विषयों पर आधारित हैं, जबकि बाघ के चित्र मनुष्य के लौकिक जीवन से लिए गए हैं। ठीक, तो दोनों में ये डिफरेंस भी आप देखिएगा, यदि थ्री मार्कर पूछ लेते हैं या प्री में क्वेश्चन आ जाए तो ये आप याद रखेंगे कि अजंता के चित्र धार्मिक विषय पर आधारित है और बाघ के चित्र मनुष्य के लौकिक जीवन से लिए गए हैं। गुप्तकाल की मूर्तिकला के सर्वोत्तम उदाहरण सारनाथ की मूर्तियाँ और चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता बौद्ध कला के उदाहरण हैं। मूल्यांकन, तो गुप्त काल में कला एवं स्थापत्य के दृष्टिकोण से अधिकतम उन्नति एवं प्रसिद्धि प्राप्त की जिसके अवशेष वर्तमान समय तक जीवंत हैं। निष्कर्षतः कहना होगा कि गुप्तकालीन कला की तुलना पेरिक्लीज शासन से की जा सकती है जो तत्कालीन आंतरिक शांति योग्य शासक एवं सहिष्णुता के प्रमाण भी देता है। इसके साथ ही आज की ये क्लास हमारी समाप्त होती है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला में हमारी यूनिट 1 समाप्त हो चुकी है। अगली हम यूनिट 2 शुरू करेंगे, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चनों को उसमें देखेंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।